सारा शोर क्या हरकतें कर रहा है ये। देखो दुल्हन बन के बैठा हुआ है इधर। ये सर्दी है या गर्मी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा चाय पी रहा है और एक बंदे ने चाय आइसक्रीम दोनों एक साथ खाई है। अभी शुगरान शुगरान बोल रहे, क्या मजा क्या है शुगरान में, जीने में रहे वो। आपका फेवरेट होटल कौन सा है? होटल जो है बालाकोट का होटल था बिटवे। रात गुजारना मुश्किल हो गई थी, बहुत शदीद ठंड है, बहुत शदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें पिंडी स्टेशन पे। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी कराची, बड़ा अच्छा टूर हुआ, बहुत मज़ा आया और अब चलते हैं वापस और कराची जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 वापसी जा रहे हैं कराची। टूर हमारा बेहतरीन रहा। हारिस हरी टूर कैसा रहा? अपने कज़न आरम के साथ खूब इंजॉयमेंट कर रहे हैं और ये आना है खूब मज़े हो रहे हैं। खूब इंजॉयमेंट हो रहा है। ट्रेन के सफ़र में ये बड़ा मुश्किल है कि आप टिकटें कराएं सब कराएं और लोग छोटी सी टिकट मिल जाती है वो लेके चढ़ जाते हैं, सीटें वगैरह होती नहीं हैं और दूसरों की पिकनिकों को ख़राब करते हैं। ये रेलवे के निज़ाम को ज़रा सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए अलग कोई सिस्टम बनाए या कोई सख्ती होना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती करें कि हम बैठेंगे और ये है वो, गलत निज़ाम है। अभी हमारे बराबर में पहले हमारे साथ किया, हमने उधर से हटाया तो फिर वो बराबर वालों के पास जाके उनको बेचारे वो शरीफ लोग थे उनको जाके उनकी सीट पे जाके बैठ गए। उन्होंने हज़ारों रुपए दिए हैं और ये चंद सौ रुपए देखे तो उनकी सीट पे बैठ गए। कितनी गलत बात है, तो दूसरों की पिकनिक ख़राब करना शर्म आना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप दोस्तों। हाल हम उसे क्रॉस कर लिया, हम सब सो रहे हैं, सब बैठ गए। पर्दा डाल दिया था कि लोग तंग करते हैं, सकून से सब बैठ गए। हमें दोस्तों सुबह हो गई है, ठंड है बहुत ज़्यादा ठंड है, रात गुजारना मुश्किल हो गई थी, बहुत शदीद ठंड है, बहुत शदीद। वीर साहब उठ गए, आरम भी उठ गए और शरारतें शुरू कर दी। उन्होंने उठते ही सुबह आरम को तंग कर रहे हैं। शाम आ गया दोस्तों, आराम से आराम से। सुबह हो गई, सुबह का नाश्ता हो रहा है। ये दानिश साहब की चाय का इंतज़ाम, मुल्तान स्टेशन। माल्टा के तरफ फोगी फोग, इस वक्त तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और आप फोग देखें कितनी है, धुंधी धुंध और इतनी ठंड है वो, ये देखो जरा ऐसा लग रहा है रेल हो रही है। सारा शोर क्या हरकतें कर रहा है ये, अरे वो दुल्हन बन के बैठा हुआ है इधर। दोस्तों बावलपुर स्टेशन देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, वाकई सही कहते हैं। की वीडियो बनाना चाहिए, देखना चाहिए, देखो जरा ऐसा लगता है कोई महल। आपके लिए वीडियो बनाने के लिए उतरा हूँ। अभी हम लोग बाबरपुर स्टेशन पे खड़े हुए और फिर अभी ट्रेन का हॉर्न बज चुका है। फ्रेंड्स इतना खूबसूरत स्टेशन है, ऐसा लग रहा है महल कोई। खानपुर स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे रुके हुए, पानी वगैरह भर रहे हैं, देख सकते हैं आप। खानपुर स्टेशन दोस्तों, रही यार खान स्टेशन बोल गया, देख सकते हैं हमारा सर सैद का कोच नंबर 7 स्टेशन। दोस्तों ये देखे ज़रा, एक के हाथ में चाय है और एक के हाथ में आइसक्रीम है। हमने पहले भी
अब आप ये बताएं कि ये सर्दी है या गर्मी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा चाय पी रहा है और एक बंदे ने चाय आइसक्रीम दोनों एक साथ खाई है। ऐसे तो नहीं होता है। अभी हम दोनों ने भी आइसक्रीम खाई, मुझे पसीना आ रहे थे, गर्मी लग रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे मैंने भी आइसक्रीम खाई। दानिश चाय बड़ी जबरदस्त बनी है, आगे खुल गई नींद आ गई थी। अच्छा दोस्तों, हमारा चाय स्पेशलिस्ट दानिश शाबाश बेटा, मौजूद है अभी। माशाल्लाह सनसेट का खूबसूरत मंजर, 6-10 मोबाइल पटाएंगे, सब पर निकल चुके हैं। स्काई देखें आप, पिंक हो रहा है 2-3 कलर के अंदर और नीचे माशाल्लाह। दोस्तों गंबट आ गया, गंबट स्टेशन। सब बच्चे अपने स्कूल की लाइफ के बारे में बता रहे हैं। पर्दा लगाया हुआ हमने, खूब इंजॉयमेंट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदराबाद स्टेशन आ गए। थोड़ा खाने पीने की चीज़ ले लें आज। हैदराबाद स्टेशन अंधेरा खूब हो रहा है, पता नहीं कब पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा हुआ, स्टेशन कम भूत बंगला ज़्यादा लग रहा है। कुछ भी इतना बड़ा स्टेशन है, उसकी हालत देखें क्या बनाएगी। अंधेरा गुप्त, कब ये निज़ाम अच्छे होंगे। खाना खाए जा रहा बिरयानी, भाई कर रहे हैं बिरयानी, लेकिन कैसी है, अच्छी खाएंगे। मज़ा नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रिक रोड स्टेशन पे आ गए, लेकिन पूरी ट्रेन खाली हुई थी, हमारी फैमिली है। सबसे ज्यादा मुझे तो पिंडी वाला होटल पसंद आया। और प्लेस कौन सी पसंद आई? मालम शुक्रान शुक्रान मालम जब्बा, आपकी मालम जब्बा। हाँ भाई आराम, आपका फेवरेट होटल कौन सा है? मालम और पिंडी वाला। नंबर वन किसको दोगे आप? नंबर वन तो मैं वो टिक्का वोडी वाले, बालाकोट वाले को। और प्लेस कौन सा पसंद आया जहाँ पे स्नो थी, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? मरी, अपना शुक्रान, शुक्रान मालम जब्बा या कलाम? शुक्रान में ज्यादा मजा आया। शुक्रान में ज्यादा मजा आया। वो टॉप पे जो हम गए थे, टॉप पे गए थे, वहाँ पर बर्फबारी बहुत थी, स्नोमैन बनाया हम लोगों ने उसके। वहाँ पर बर्फबारी शुक्रान शुक्रान में, और फ्रेंड यहाँ बहुत हाइट है बर्फ की। शुक्रान में मजा कर रहे हैं, शुक्रान में हम ये होटल पे खाने की निगाह करेंगे। जबरदस्त माशाल्लाह बहुत बड़ा होटल है यहाँ पर। अरीस अरम अनाया शरारते कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्फ मार रहे हैं। अनाया आपका फेवरेट होटल कौन सा? आपका फेवरेट बालाकोट। और अपना फेवरेट प्लेस कौन सा है? मालम जब्बा। मालम जब्बा। हाँ भाई दानिश साहब, आपका फेवरेट होटल कौन सा है? होटल जो है बालाकोट का होटल था बिडवे। प्लेस जो है शुक्रान। शुक्रान बहुत हो रहा है, कोई भी जाए तैयारी के साथ जाए, जिसे ब्लॉग के अंदर बताई गई है इस तरह से तैयारी करके जाएंगे तो आपको परेशानी कोई नहीं होगी। और जो प्लेस है चीज़ें अपनी अपनी कंप्लीट रखें, और प्लेस जो है वो चुन के देखें, आप देखें कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको, जहाँ पर आपको एंजॉयमेंट आता हो।
शहरों में इतना ज़्यादा है जितना पहाड़ों पर या बर्फबारी हुई वहाँ पर टाइम स्पेंड कर। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ज़रा आप ये हसीन मनाजिर, ये चारों तरफ बाग, बर्फ ही बर्फ है, ऐसी खूबसूरती है। और होटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो किचन में हमने खाना बनाया उसमें क्या क्या तैयारी की चीज़ें हमें लेके जाना चाहिए? खाना बनाया अभी बन रही है टिक्का बोटी, यहाँ पर अभी हमने पिताई चाचू और आन भाई बना रहे हैं, और देख सकते हैं दाइश मामा अभी सीख बना रहे हैं। और दानिश तैयारी कैसी हो रही है? अरे बेहतरीन तैयारी हो रही है, माशाल्लाह मजा आ रहा है, घर जैसा माहौल था। और हमें क्या क्या चीजें जो किचन के काम के लिए हमें लेके जाना चाहिए? दादा अगर जैसे बालाकोट से होटल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे तो कुछ भी, क्योंकि वहाँ सब कुछ मौजूद था, प्लेट से लेके चमचे तक। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर पापा टमाटर कटिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स ठीक है। यहाँ पर लहसुन लहसुन सब है, लहसुन बस आपको घी वगैरह चावल अगर ले जाना चाहें, सिलेंडर अगर आप ले जाना चाहें ले सकते हैं, ट्रेन में अलाउ नहीं है, वहाँ से भरवा लें सिलेंडर, एक पति रख लें। चाय का इंतजाम आप रखेंगे, कराची से आ रहे हैं तो आपको चाय समय पर कहीं की नहीं, चाय अपनी बनानी है आप, वो तो मस्त है, वरना चाय पागल हो जाएंगे आप लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे दानिश हमारा जो चाय का खर्चा है ये 10 दिन का, 8 से 10 दिन का कितना हुआ है मैक्सिमम अंदाजा? मैंने बनाई है चाय तो बहुत तेज हो रहा है। अगर हम बाहर से परचेज करते तो मैक्सिमम बहुत एक्सपेंसिव है, 10,000 रुपए से 12,000 रुपए की चाय पड़ी जाती है हमें। खत्म, बाय बाय टाटा। जो हमें बचत हुई 10 दिन में 10 से 12,000 रुपए की चाय पड़ी जाती है, 70 रुपए की चाय है बाहर, 70 रुपए की एक चाय, हम उतना सामान ले गए, चीनी पत्ती एवरीडे कैटल थी इलेक्ट्रॉनिक हमारी पास, चाय पी आराम से। अब्दुल कादिर फेवरेट होटल कौन सा आपका? बालाकोट, जहाँ आपने बारबेक्यू किया? अब्दुल कादिर भाई लगाया आज है, अब्दुल कादिर भाई और ये सारे खड़े हुए। और फेवरेट प्लेस शुगरान, हाँ भाई शुगरान नंबर वन जा रहा है। आपका जो फेवरेट होटल है वो कौन सा है? हाँ यार फेवरेट होटल मेरा जो है वो बालाकोट का था, क्योंकि वहाँ पे हमने एंजॉय अच्छा खासा किया, 2 दिन का स्टे था हमारा, 2 नाइट का स्टे था वहाँ पे हमारे, किचन हमें वहाँ पे अपना मिला, खाना हम लोगों ने मिल के बनाया। फ्रेंड्स अभी सीख बोटी तैयार होने जा रही है, और अभी हम लोग बॉन फायर लगाएंगे, उसके लिए सीखे तैयार कर रहे हैं आयन भाई, दे सकते हैं सब पूरी फैमिली ने, तो एक घर वाला माहौल था, बहुत इंजॉय किया। बाकी जो प्लेस मेरी फेवरेट है वो शुगरान, एक सवाद का जो एरिया था वो बहुत अच्छा था, पहाड़ी इलाका। ये सब शुगरान शुगरान बोलने क्या मजा, क्या शुगरान में जीप में गए, वो जीप के अंदर आप बैठ के गए, खुली जीप थी, और क्या बोलते हैं वो जो रास्ता था ना पहाड़ी रास्ता, चारों तरफ बर्फ है और पहाड़ियाँ, चारों तरफ बर्फ बर्फी, बहुत अच्छा था शुगरान का रास्ता, सवाद का रास्ता बहुत अच्छा रहा हमारा, और कलाम जो था वो भी एक अच्छी जगह थी, लेकिन जो शुगरान का मजा आया ना उसका अलग ही मजा था भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना, बालाकोट से शुगरान तक का मजा बहुत प्यारा रहा, बालाकोट जो थी वो बहुत मेरी फेवरेट प्लेस है, बालाकोट नंबर वन नंबर होटल है, मिडवे होटल जो सही, बहुत अच्छा रहा हमारा। हाँ भाई तारिक, आपका भाई फेवरेट होटल कौन सा है? फेवरेट होटल हमारे को बालाकोट और पिंडी का अच्छा लगा, राइजन होटल अच्छा लगा कि अपने घर में आ गए। आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? प्लेस ये शुगरान, बालाकोट, मालक जब्बा भी अच्छा था और बहरीन भी, लेकिन बहरीन फ्लड की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया था, हालांकि ऐसा नहीं, बहरीन और कलाम बहुत अच्छी जगह है, लेकिन फ्लड ने बहुत तबाही कर दी वहाँ पे लोगों के लिए, उनका कारोबार डिस्टर्ब हो गई, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा था, नहीं तो बहरीन और कलाम दोनों अच्छी जगह। अगर आपको कहें कि आप कौन से होटल में स्टे करोगे, पिंडी, फिजागढ़, बहरीन या बालाकोट, आप नंबर वन किसको कहोगे? बालाकोट। क्या बालाकोट, सब बालाकोट बालाकोट कर रही है, बालाकोट में ऐसा क्या है? चारों तरफ माउंटेन पे है, ये आबशार थे और सबसे बड़ी बात वहाँ के लोग अच्छे थे। और बालाकोट होटल के साथ वो जो कुनार रिवर जा रहा है उसकी वजह से आपको ज्यादा पसंद आया? सबसे बड़ी बात वहाँ के लोग अच्छे थे,
बड़ी बात ये है कि होटल के जो ऑनर थे उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा। होटल का नाम तो बता दें आप। होटल का नाम था मिडवे। मिडवे होटल, वहाँ कामरान थे। हाँ, कामरान लड़का था, बहुत अच्छा उसने कोऑपरेट करा, उनके वालिद थे। हमें डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट दिया उन्होंने 4,000 रुपए। फ्रेंड्स अभी हमारे साथ है कामरान भाई और इन्होंने सारी मतलब होटल के जैसे कि हीटर होता है, हीटर और गर्म पानी सारी सहूलियत हमें दी और मतलब बहुत अच्छे से मतलब हमने स्टे किया, बहुत अच्छा मज़ा आया यहाँ पर। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि यहाँ इस वाले होटल में आए और ज़रूर स्टे करें, बहुत अच्छा होटल है। अभी हम लोग कामरान भाई से यहाँ की लोकेशन पूछते हैं और यहाँ के होटल के बारे में पूछते हैं। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बालाकोट में मेन बालाकोट से 4 किलोमीटर ये पीछे आता है होटल, और जो है 2016 में ये हमने तमीर किया था, उसके बाद जो है वो कोरोना आ गया, उसके बाद कोरोना के बाद अभी से अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ है। तो जब भी आप आएँ हमसे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह जो भी फैमिली के लिए बेहतरीन होटल है हर किस्म से हमारे ब्लॉग के रेफरेंस से वहाँ जाएगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। और किचन में जो आप लोग खाना वाना हम लोग सब बना रहे थे उसको कैसा इंजॉय किया थोड़ा सा बताएं। बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, बिरयानी बनाई अपने वहाँ पे, कढ़ाई बनाई दो दिन, चाय बनाई हमारे दानिश ने, बाहर बारबी का प्रोग्राम करा, मज़ा लगवाया ना कसम। चिकन भी डाल दी। आयशा आई यार, वीडियो बनाओ, दुकाती भाई चिकन डालने दुकाती भाई ने चिकन डाल लिया। मतलब यहाँ से कराची से जो लोग जाएं उनको अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने साथ लेके जाना चाहिए किसी भी होटल में, और जब होटल में जाएं तो क्या क्या चीज़ें जो होटल वाले से उनको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि बाद में उनको पैसों में परेशानी ना हो। सबसे पहले होटल वाले से डिस्कस करना चाहिए कि यार हम आपका किचन यूज़ करेंगे, उसके कोई चार्जेज इंक्लूड तो नहीं है, अगर हैं तो क्या 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 होंगे वो भी बताएं। कि जैसे आप कराची से जब चलो तो आप एक खाली सिलेंडर यातन रख लें, मसाले वगैरह जिसमें स्टोव लगा हो, चूल्हा लगा हुआ, खाली मसाले रख लें, गरम मसाले और चावल तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सही है, रो मटेरियल मतलब लेके चले, मसाला यहाँ से लो आप, खाली गोश्त यहाँ से लो, बाकी सब चीजें कराची से परचेज करो। चाय का इंतजाम कर लोगे तो खाने के बिना रहोगे, चाय के बिना नहीं रह पाओगे कराची वालों। समझ रहे हो ना, ये बात तो नहीं कह रहा। और सारी सब्जियां हर चीज़ मतलब फ्रेश मिली वहाँ पर, चिकन भी मिल जाती है कराची वाले रेट पे मिली। कुछ लोग देख कर के कराची के हैं तो बहुत, किसी ने 1200 बता दिए, मगर हम का आपको पता है कराची वाले हैं, थोड़ा छानबीन करके जब भी आए चपली कबाब खाएं, बहरीन के सवाद के और मैंगोरा के इधर के चपली कबाब जरूर खाएं, बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। और तारी को नान भूल गए हम यार, इन इलाकों के जो नान थे, ओ हो हो, 20 रुपए का नान, इतना सॉफ्ट और इतना जायकेदार। मैंगोरा, मैंगोरा के जो बाजार है ना उसमें चपली कबाब उसके नान खाए, बहुत अच्छा बन जाता है। बहुत पिज्जा घाट का होटल भी हमारा अच्छा था। ये पानी हमें वहाँ सबसे ज्यादा गर्म पानी मिला पिज्जा घाट में, हिंडी के होटल के। और आबिद भाई ने जो हमें पूरा टूर कराया, आबिद भाई के बारे में सब क्या कहेंगे भाई? आबिद भाई बहुत अच्छा, हमें दानिश आप पहले आबिद भाई के बारे में, जो टूरिस्ट गाइड है हमारे पिंडी के, पिंडी का होटल भी उनका अपना राइजन होटल। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया हमें, दो दो चीज उन्होंने बताई थी पहले से भाई देखो इस तरह करिए। और हमारे ड्राइवर शहबाज भाई के बारे में, शहबाज भाई बहुत अच्छा होंगे, उनकी ड्राइविंग के बारे में बड़ी जबरदस्त है, को गाइड करते हुए बताते हुए चले कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे रुकना होगा, कहाँ कहाँ खाने पीने का सामान सही मिलेगा। सवाल जब भी है व्हाइट पैलेस ना जाइएगा, बेकार है। और दूसरा ये मनी मंदिर, वहाँ टिकट लगाया हुआ है, वहाँ टिकट लगाया हुआ व्हाइट पैलेस का, के वो आए 70 रुपए फालतू मतलब पैसे ले रहे हैं आवाम। चलो भाई एक एक कमेंट व्हाइट पैलेस के बारे में दानिश। नहीं व्हाइट पैलेस पे जाना बेकार है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम का जिया है, बहुत देर लगती है वहाँ पहुँचने में और सिर्फ वक्त का जिया होगा, वापसी आ जाएगा, वापसी आ गया गाड़ी बाइक। हाँ भाई अब्दुल कादिर, व्हाइट पैलेस कैसा है? बेकार जगह, बिल्कुल 10-15 मिनट हम लोग मतलब बोर हुए, बोर हुए सब। व्हाइट पैलेस के बारे में, व्हाइट पैलेस तो मैंने गाड़ी से उतर के देखा भी नहीं था, झूठ की बोलूं मैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि व्हाइट पैलेस जाना ही नहीं चाहिए? जाना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर जाना चाहते तो एक जगह और है, मरी भी नहीं जाएगा, मरी तो गई बिल्कुल ही नहीं, गाइस मरी सबसे बेकार जगह, बेकार जगह, मरी तो बिल्कुल नहीं जाना, टांगों का डिस्टर्ब करना और दूसरा दिमाग को
तो कोशिश ये करो मरी नहीं आना उसकी कहीं और चले। और वहाँ के जो शॉप्स वाले हैं उनका जो बिहेवियर है वो भी मजेदार नहीं है, और दूसरा हर चीज इतनी एक्सपेंसिव देते हैं, तो खासतौर पे कराची वालों को तो देखते ही उनकी आंखें चार हो जाती हैं, बल्कि छह हो जाती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शोरमा हमने जो कराची में हमें 150 का मिलता है वो हमने वहाँ पे 300 रुपए का कराची वालों को, उसका कोई खास टेस्ट नहीं था। खास टेस्ट नहीं था। मिडवे होटल है, पिंडी का होटल है, शुक्रान जगह जो है वहाँ जाए बारी वगैरह। और मालम जब्बा का एक्सपीरियंस हमारा, मालम जब्बा का भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ की स्नो कितनी खूबसूरत है, और किसी वो है सॉफ्ट नरम मुलायम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था खा लो, और हमने खाई भी, कलाम की भी अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा था सबका, ये हमारा सरप्राइज है, नेक्स्ट सरप्राइज जो हम बताएंगे नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हमने बता दिया फिर भी। ये मैं काट दूंगा, ये नेक्स्ट सरप्राइज होगा जो बताएंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ब्लॉग देखना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अरीज एंड आयशा खान ब्लॉग को, दोस्तों कराची स्टेशन आ गए, सब आ गए लेने के लिए। कराची स्टेशन, कराची स्टेशन 12 लेने के लिए, गाड़ियाँ आएगी लेने के लिए। आ चुके हैं वापस कराची, तो आ चुके हम लोग, और अभी हम लोग दादे घर आए थे, किसको लेने? मुझे लेने। और मैं चीजें लूंगी, मैं तो एक्साइटेड हूँ, और भाई के लिए तो चीजें भी ले ले, कैसा मेरा तो ऐसे मुझे भी लेने था आपको, तो मुझे भी लेने तो स्केट समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो।